इस कहानी की शुरुआत होती है एक नेशनल ओपेरा हॉल से, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं कई सारे लोग जो कि एक ओपेरा को अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें एक CIA का एजेंट और साथ ही रशियन मिलिट्री का टॉप हैट भी दिखाया जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इस ओपेरा हॉल के अंदर कई सारे गुंडे आ जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को अपना हॉस्टेज यानी कि अपना बंधक बना लेते हैं। जैसे ही CIA एजेंट को ये पता लगता है कि वहाँ पर गुंडों का अटैक हुआ है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी रशियन मिलिट्री का जो हेड होता है वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। इसका मतलब ये है कि वो भी उन गुंडों से मिला हुआ है। अब जबकि ये हॉल रशिया में होता है तो वहाँ पुलिस फोर्स भी वहाँ उसी मूवमेंट पर पहुँच जाती है उन सभी गुंडों को रोकने के लिए। मगर तभी वहाँ पर एक छोटी सी टीम और पहुँचती है जो कि ना तो उन गुंडों से रिलेटेड होती है और ना ही रशियन मिलिट्री फोर्स से रिलेटेड होती है। वो बिल्कुल सेपरेटली काम कर रही होती है, जिन्हें लीड कर रहा होता है इस कहानी का मेन हीरो, जिसका नाम रखा गया है प्रोटैगनिस्ट। अब यहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि जो गुंडे वहाँ पर उस CIA एजेंट के पीछे पड़े होते हैं, बेसिकली उन्हें उससे एक पैकेज चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर प्रोटैगनिस्ट का ये मिशन होता है कि उसे उस CIA एजेंट को बचाकर जो पैकेज की तलाश में गुंडे आए हैं उस पैकेज को CIA एजेंट से लेकर वहाँ से निकल जाना है। इसी बीच उस पर काफी सारी गोलियां भी चलती है, मगर तभी उसका कोई शुभचिंतक जिसके बैग पर एक रेड कीचेन होता है उसे आकर बचा लेता है। और इसी बीच के अंदर प्रोटैगनिस्ट सीधा पहुंच जाता है उस CIA एजेंट के पास में और उससे फाइनली उस पैकेज का पता पूछकर उसकी जान को बचाते हुए अपनी टीम के पास में वापस आ जाता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि हमारी जो टीम है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गुंडों से मिले हुए हैं। इसी वजह से वो प्रोटैगनिस्ट को जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम हमें उस पैकेज का पता बता दो, अदरवाइज हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर प्रोटैगनिस्ट एक साइनाइड की गोली खा लेता है और अपने आप की जान को कुर्बान कर देता है अपने उस सीक्रेट मिशन के लिए। आगे में दिखाया जाता है कि जो साइनाइड की पिल जो कि प्रोटैगनिस्ट ने खाई होती है वो बेसिकली एक बेहोश कर देने वाली दवा होती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक शिप पर पाता है जहाँ पर एक आदमी उससे बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम अपने टेस्ट में पास हुए। तो वहां पर प्रोटैगनिस्ट काफी कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि ये कौन सा टेस्ट था। तब वहां पर वो आदमी बताता है कि टेनेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं काम करता हूं और उन्होंने तुम्हें एक बहुत ही खास काम के लिए चुना है। तो वो पूछता है कि आखिर ये क्या काम है। तब वहां पर वो आदमी कहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां हो चुकी है और हमने तुम्हें चुना है ताकि तुम उस वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सको। तो वहां पर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि आखिर ये वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा और इसके अंदर कौन कौन शामिल है। मगर तब वो इंसान कहता है कि मुझे सिर्फ एक नाम टेनेट और इस इशारे के अलावा कुछ भी नहीं पता है। इन सभी बातों को सीक्रेट रखने के लिए इन्हें कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इस बात का तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों इस वर्ल्ड वॉर 3 को एक्टिव करना चाहते हैं। वहां से वो लोग उसे एक पवन चक्की के अंदर भेज देते हैं जहां पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहां पर कुछ दिन बिताने होंगे, इसके बाद में तुम्हें अपने अगले मिशन पर भेजा जाएगा। प्रोटैगनिस्ट वहां पर कुछ दिन बिताता है जहां पर वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कभी कसरत, कभी वेपन प्रैक्टिस तो कभी हार्ड बॉडी ट्रेनिंग करता है। इसके बाद में उसे एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है। तब वो साइंटिस्ट उसे बताती है कि कुछ समय पहले हमें कुछ ऐसी गोलियां मिली है जो कि समय में पीछे चल रही है। तो प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या बातें कर रही है। तो इस बात को समझाने के लिए वो साइंटिस्ट उसे एक शूटिंग हॉल में लेकर जाती है और उसे हाथ में एक गन देती है। तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसके अंदर तो गोलियां हैं ही नहीं। तब वहां पर वो कहती है कि सामने टारगेट करके इस ट्रिगर को दबाओ, और जैसे ही वो ट्रिगर को दबाता है तो गोली उसके अंदर वापस आ जाती है। तब जाकर हमें ये पता चलता है कि ये गोली बेसिकली समय में पीछे चल रही है। हमारी नजर में हमने गोली को चलाया यानी कि हम समय में आगे बढ़े, लेकिन गोली की नजर में वो बंदूक में वापस आई यानी कि उसका समय पलटाया गया, वो समय में पीछे चल रही होती है। तो प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और आखिर ये गोलियां तुम्हारे पास कहां से आई। तब वो साइंटिस्ट बताती है कि फ्यूचर के कुछ लोग ऐसी गोलियां और साथ ही कई ऐसी और चीजें भी बना रहे हैं जो कि समय के द्वारा पलटाए गए, यानी कि वो समय में उल्टे चल रहे हैं। अगर हम उन्हें जमीन से उठाने की ट्राई करेंगे तो वो जमीन पर गिरेंगे, और अगर हम उन्हें जमीन पर गिराएंगे तो वो उनकी नजरों से हमारे हाथ में वापस आएंगे। तुम्हारा काम है उन लोगों को ढूंढना जो कि इन चीजों के समय को पलट रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर प्रोटैगनिस्ट उन गोलियों के ऊपर अपना परीक्षण करना शुरू कर देता है, और तभी उसे पता चलता है कि ये गोलियां इंडिया में बनाई गई है। और तभी वो इंडिया आकर उस गोलियों के आर्म डीलर से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि उस आर्म डीलर का नाम है संजय सिंह। मगर उस तक पहुंचना कोई आम बात नहीं होती है और वो इसकी प्लानिंग लगा ही रहा होता है कि वो उसे कैसे मिलेगा। तभी उसकी मुलाकात इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर से होती है जिसका नाम होता है नील। नील उसे ये बताता है कि संजय सिंह इस शहर का सबसे बड़ा आर्म डीलर है, वो इतना खतरनाक इंसान है कि आज तक जो भी उससे मिलने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता, इसके लिए हमें जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। तब वहां पर प्रोटैगनिस्ट काफी कंफ्यूज होता है, उसे ये जानकर हैरानी होती है कि आखिर मेरे प्लान्स और मेरे बारे में नील को इतना कैसे पता है। लेकिन
वो इन बातों को साइड में रखकर उससे हाथ मिला लेता है और दोनों रात को बंजी जंपिंग को रिवर्स करके उसके घर के अंदर कूदते हैं और संजय सिंह से पूछते हैं कि आखिर ये गोलियां तुम्हारे पास में कैसे आई, तुम इन गोलियों को कैसे बना रहे हो। और तब वहां पर कहानी का एक प्लॉट रिवील होता है जहां पर हमें पता चलता है कि गोलियां संजय सिंह नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रिया बना रही होती है। और प्रिया का कैरेक्टर जिसने निभाया है वो है इंडिया की डिंपल कपाड़िया जी। वहां पर प्रिया ये रिवील करती है कि उसने ये गोलियां रशियन माफिया के एक बंदे जिसका नाम होता है आंद्रे सेटर को बेची होती है, मगर जब उसने ये गोलियां बेची थी तब वो नॉर्मल थी। आखिर इन्हें समय में कौन पलटा रहा है इसके बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है, मगर यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है। प्रिया ये बताती है कि जरूर आंद्रे सेटर का वास्ता भविष्य के किसी इंसान से जो कि उसी ये सारी की सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। अगर हम आंद्रे तक पहुंच गए तो भविष्य के उस इंसान तक भी पहुंच जाएंगे जो ये सारी की सारी चीजें इस दुनिया में यानी कि पास्ट में सप्लाई कर रहा है। तो प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि आखिर हम आंद्रे से कैसे मिल सकते हैं। तो वहां पर प्रिया बताती है कि आंद्रे से मिलना काफी मुश्किल है क्योंकि वो रशिया का एक माफिया है और अगर तुम उस तक पहुंचना चाहते हो तो उसका एक जरिया है उसकी पत्नी जिसका नाम है कैट। अगर तुम कैट से मिल गए तो वो तुम्हें आंद्रे तक पहुंचा सकती है, मगर कैट तक पहुंचना भी काफी मुश्किल है क्योंकि आंद्रे के गुंडे हमेशा कैट के साथ रहते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि आखिर मैं कैट तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो वहां पर प्रिया बताती है कि बेसिकली कैट एक चित्रकार है, उसे असली और नकली पेंटिंग्स को परखने का काफी शौक है। इस काम में तुम्हारी मदद माइकल क्रॉस भी कर सकता है, तुम जाकर उससे मिलो। और तभी वहां से प्रोटैगनिस्ट और नील पुलिस से बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं। और सेम अगले दिन अब प्रोटैगनिस्ट जाकर मिलता है माइकल क्रॉसबी से जो कि बेसिकली एक ब्रिटिश एजेंट होता है। माइकल उसे बताता है कि कैट की आंद्रे के साथ में नहीं बनती है, दोनों में काफी समय से अनबन चल रही है क्योंकि कैट ने आंद्रे की एक ऐसी तस्वीर को फेक बताकर बेच दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। मेरे पास में उसी पेंटर जिसका नाम है गोया उस पेंटिंग की एक दूसरी नकल है, अगर तुम वो नकल उसके पास में लेकर जाओ और उसे बताओ कि ये पेंटिंग असली है तो इस बात को सुनकर कैट तुम्हारे साथ में बात करने के लिए तैयार हो जाएगी और हो ना हो शायद कैट तुम्हें आंद्रे तक भी पहुंचा दे। इस बात को सुनते ही वो पेंटिंग को लेकर सीधा कैट के पास में पहुंचता है और कहता है कि मेरे पास में वो असली पेंटिंग है जिसकी कॉपी तुमने बेची थी आंद्रे को पागल बनाकर। मगर तब कैट उसका झूठ समझ जाती है, उसे ये पता लग जाता है कि ये पेंटिंग भी असली नहीं है, ये पेंटिंग भी एक डुप्लीकेट पेंटिंग है क्योंकि जिस इंसान का तुम नाम ले रहे हो जिससे तुमने ये तस्वीर को खरीदा है उस इंसान को आंद्रे ने ऑलरेडी मार मार कर अधमरा कर दिया था, वो बोल भी नहीं सकता था, तो वो आखिर तुमसे ये डील किस तरीके से कर सकता है। बातों ही बातों में कैट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि एक टाइम था जब मैंने उसकी फेक पेंटिंग को बेचा था, इस वजह से उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है, हमारा एक बेटा है जिसका नाम है मैक्स और वो मुझे उससे कभी मिलने भी नहीं देता। तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि क्या तुमने अपने इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देने की कोशिश नहीं की। तब वहां पर कैट कहती है कि हाँ मैंने की थी, एक बार वियतनाम के टूर पर जब हम दोनों एक यार्ड में थे तो मैंने उससे काफी प्यार भरी बातें की और साथ में हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का भी वादा किया, मगर तब आंद्रे ने इस बात को इनकार कर दिया और मुझे कह दिया कि मुझे एक काम से जाना है। और जब मैं मैक्स के साथ में वापस उस शिप पर लौटी तब वहां पर कोई और ही लड़की उसके साथ में थी, मगर जब मैंने वहां पर चेक किया तो आंद्रे भी वहां पर नहीं था, वो वहां से चला गया था, इस वजह से आज तक हमारे बीच के हालात सही नहीं हुए। इस बात को सुनने के बाद में प्रोटैगनिस्ट उससे एक वादा करता है, वो उसे कहता है कि अगर मैं उस फेक पेंटिंग को उसकी तिजोरी से चुरा लूं तो वो तुम्हारे ऊपर जो हर बार गुस्सा होता है वो कभी नहीं होगा और तुम्हारे ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा है वो भी हट जाएगा, मगर इसके बदले तुम्हें आंद्रे के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करवानी होगी। और फाइनली कैट उसकी इस डील को मान जाती है। ये सारी बातें प्रोटैगनिस्ट नील को बताता है और वो दोनों मिलकर उस पेंटिंग को चुराने की प्लानिंग करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ओस्लो के अंदर एयरपोर्ट के पीछे एक फ्री पोर्ट नाम की तिजोरी है जहां पर आंद्रे की एक तिजोरी भी है और वो तिजोरी इतनी मजबूत है कि वहां पर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, अगर वहां पर घुसना है तो उन्हें एक क्लाइंट बनकर ही जाना पड़ेगा। इस वजह से पहले नील एक क्लाइंट बनकर उस फ्री पोर्ट के अंदर जाता है और वहां के लोगों से कहता है कि मैं भी एक अमीर इंसान हूं और अपनी कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरों को इस तिजोरी के अंदर जमा करवाना चाहता हूं और इसी के बदले वो वहां की पूरी सिक्योरिटी सेटअप को भी देख लेता है कि कहां पर कैमराज हैं, कहां पर दरवाजे हैं और वहां का सिक्योरिटी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तब उन्हें पता चलता है कि वहां के सिक्योरिटी सिस्टम में कभी भी आग नहीं लग सकती क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक गैस सिस्टम है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देते हैं जिससे कि कभी भी वहां पर आग न लग पाए और इसी के साथ वहां के सारे दरवाजे भी सील हो जाते हैं ताकि कोई भी चोर वहां से चोरी करके भाग ना पाए। और इस चोरी को अंजाम देने के लिए वो दोनों एक इंसान से मिलते हैं जिसका नाम होता है माहिर और तब सभी मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि वो एक प्लेन को उस पूरी बिल्डिंग में क्रैश करवा देंगे जिससे कि वहां पर आग लग जाएगी।
अब वहां पर वो एक और गेम खेलते हैं। वो एक ऐसा प्लेन क्रैश करवाते हैं जिसके अंदर सोने की ईंटें एक देश से दूसरे देश जा रही होती है, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि जब वो दोनों चोरी कर रहे होंगे उस पेंटिंग की, तब वहां पर किसी भी पुलिस का उन पर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि सारी पुलिस तो उन सोने की ईंटों को रास्ते से हटाने में व्यस्त हो जाएगी। और फाइनली वो दिन आता है जब सभी अपनी तैयारियां कर चुके होते हैं और उस पेंटिंग को चुराने के लिए तैयार होते हैं। वो वहां पर एक बहुत ही बड़े प्लेन को क्रैश करवा देते हैं जिससे कि वहां पर काफी ज्यादा आग लग जाती है, और साथ ही इन गोल्डन ईटों को भी जमीन पर गिरा देते हैं जिससे कि पूरी सिक्योरिटी टीम उन्हें वहां से उठाने में व्यस्त हो जाए। इसी बीच वो उस लॉकर में घुस जाते हैं जो कि आंद्रे सेटर का होता है, मगर तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो कोई तस्वीर है ही नहीं, बल्कि वहां पर तो दो बड़े बड़े चेम्बर्स हैं जिनमें से एक का कलर ब्लू और एक का कलर रेड होता है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ गोलियों के निशान मिलते हैं, और जैसे ही वो मशीन को चालू करते हैं तो उनमें से दो लोग निकलकर भागते हैं। एक तो भागता है नील की तरफ से और एक भागता है प्रोटैगनिस्ट की तरफ से। प्रोटैगनिस्ट उस इंसान का सामना करने की कोशिश कर रहा है, मगर तब यहां पर हमें पता चलता है कि वो जो इंसान जो उस मशीन से निकला है जिसका नाम है टर्नस्टाइल, जो कि समय को पलटा सकती है, बेसिकली जो इंसान उसमें से निकला होता है वो समय में उल्टी धारा में लड़ाई कर रहा होता है और प्रोटैगनिस्ट सीधी धारा में लड़ाई कर रहा होता है। इसी वजह से वो लड़ाई हमें काफी कूल लगती है, मगर कैसे तैसे करके वो जो मशीन से निकला हुआ इंसान होता है वो उनकी चंगुल से निकल जाता है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट कैट से मिलता है और उसे कहता है कि हमने वो पेंटिंग चुरा ली है, अब जो तुमने मुझसे वादा किया था आंद्रे सीतर के साथ में एक मीटिंग फिक्स करने का, अब वो वक्त आ गया है। उसी रात कैट प्रोटैगनिस्ट को आंद्रे से मिलवाती है, मगर तब आंद्रे को ये पता चल गया होता है कि मेरी उस तिजोरी के अंदर कल कुछ चोर घुसे थे और हो ना हो वो उन्हीं में से एक है, इसीलिए वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। मगर तभी वहां पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक डील है, मुझे पता है कि तुम एक आम डीलर के साथ साथ ब्लैक मार्केट की चीजों में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और मेरे पास में तुम्हारे लिए एक सौदा है। अगर तुम मुझसे डील करोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्लूटोनियम को चुराने में मदद करूंगा, और इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ। और फाइनली उसकी बातों को सुनकर आंद्रे मान जाता है और उसे एज अ गेस्ट अपने शिप पर रख लेता है। और उसी रात वहां पर प्रोटैगनिस्ट को ये भी पता चलता है कि भविष्य के लोगों ने उसके लिए कुछ भविष्य से भेजा है जो कि बेसिकली सोने की ईंटें होती है, मगर तभी आंद्रे के कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब वहां पर आंद्रे उसे खूब पीटता है, मगर तब वहां पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर तुमने मुझे जान से मारा तो जिस प्लूटोनियम की तुम तलाश में हो वो तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं मिल पाएगा, इसी वजह से आंद्रे उसे जान से नहीं मारता। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट और नील मिलकर उस प्लूटोनियम को चुराने की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ी वेन प्लूटोनियम को लेकर जाने वाली है और किसी और फैसिलिटी में शिफ्ट करने वाली है। अगर हमने टाइम रहते अलग अलग कारों की मदद से उस प्लूटोनियम को टाइम पर चुरा लिया तो हम अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर आंद्रे कैट के साथ में अपने एक वेयरहाउस में जाता है, जहाँ पर वो उसे एक मशीन के अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन तब वो मना कर देती है। इसी बात पर आंद्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही उसे काफी ज्यादा पीटता भी है, और अपने एक आदमी से कहता है कि थोड़ी देर बाद में जो भी इंसिडेंट होगा तुम मुझे वर्ड बाय वर्ड बताओगे, और ये कहकर वो पास ही की एक टर्नस्टाइल मशीन के अंदर चला जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है उस वेन की ओर जिसके अंदर प्लूटोनियम पड़ा होता है। अब जैसा कि प्रोटैगनिस्ट और नील ने तैयारी कर ली होती है उस प्लूटोनियम को चुराने की, तो वो अपनी सारी कारों ट्रेलर्स और बड़ी से ट्रक के साथ में उनकी वेन को दबा देते हैं, और इसी के साथ में अब प्रोटैगनिस्ट अपनी चालाकी के साथ में उस वेन के अंदर जाकर प्लूटोनियम का बॉक्स चुराकर वहां से भागता है। और जब वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर प्लूटोनियम नहीं बल्कि पड़ा होता है एक पार्ट जो कि एल्गोरिथम का एक टुकड़ा होता है। अभी एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे इस स्टोरी में बताऊंगा। जब वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे पड़ जाता है आंद्रे और उसके साथ में होती है कैट भी, और तभी वो वहां पर प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि अगर तुमने मुझे ये बॉक्स नहीं दिया तो मैं कैट को जान से मार दूंगा। अब यहां पर हमें दिखाई जाती है इस कहानी का सबसे शानदार कार चेजिंग सीन, जहां पर कुछ कारें समय में पीछे तो कुछ कारें समय में आगे जाकर इस काम को अंजाम दे रही होती है, जिनमें शामिल होती है एक मर्सिडीज, एक ऑडी और साथ ही एक बीएमडब्ल्यू। प्रोटैगनिस्ट नहीं चाहता था कि आंद्रे कैट को जान से मार दे, इसी वजह से वो बॉक्स आंद्रे को दे देता है, और इसी के साथ ही आंद्रे वहां से निकल जाता है। मगर जब आंद्रे वहां से निकलता है तो कैट उस कार के अंदर अकेली फंस जाती है, इसलिए कैट की जान बचाने के लिए वो नील से कहता है कि दोनों कारों को सिमिलर चलाना, एक को भी टाइम से आगे पीछे मत करना, और अपनी शानदार चालाकी के साथ में फाइनली आंद्रे उसकी ऑडी के अंदर कूद ही जाता है और अपने हाथों से उसके ब्रेक को दबा देता है। सीरियसली गाइज ये सीन इतना क्रिटिकल था कि एक बार तो मेरी सीन को देखकर सांसें भी रुक गई थी, मगर फिर भी एंड में आंद्रे के सभी गुंडे उन दोनों को पकड़कर अपने उसी वेयर हाउस के अंदर ले जाते हैं जहां पर पहले आंद्रे कैट के साथ में मौजूद था। और तब हमें वहां पर दिखाई जाते हैं दो रूम, एक होता है रेड कलर में और एक होता है ब्लू कलर में। रेड कलर के रूम में जो भी लोग मौजूद होते हैं वो अपने प्रेजेंट टाइम को जी रहे होते हैं, वहीं पर ब्लू टाइम के अंदर वो लोग जी रहे होते हैं जो कि समय के अंदर पीछे
चल रहे होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है इस मूवी के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट की, जहां पर आंधे प्रोटैगनिस्ट को पूछ रहा होता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर से प्लूटोनियम कहां पर है। तब वहां पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो तुमने मुझसे चुरा लिया है। ये बात हालांकि प्रोटैगनिस्ट को उस टाइम तो समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन पास ही खड़ा जो उसका आदमी होता है, जिसे कि आंध्रे ने बोला था कि इस रूम में जो भी होगा तुम उसे स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओगे, तो उसकी बातों की मदद से आंध्रे फाइनली कैट को अपने चंगुल में रखकर उसके सर पर बंदूक रखकर अगेन प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर पास्ट में क्या क्या बीता था, तुमने वो प्लूटोनियम किसे दिया और कहां पर गया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो मेरे पास में नहीं है। तो इसी बात को समझकर आंध्रे को बताने लगता है कि हम एक कार में थे, तुम BMW के अंदर थे और मैंने तुम्हें अपनी कार से वो बॉक्स निकाल कर दिया था। इस बात को जान जाने के बाद में आंध्रे कैट को एक गोली मार देता है और वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि आंध्रे समय में पीछे चल रहा था और जो उसने गोली कैट को मारी थी वो भी समय में पलटाई हुई गोली थी, और समय में आगे चलने वाली से पलटाई हुई गोली काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से प्रोटैगनिस्ट और नील ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमने कैट को नहीं बचाया तो वो जान से मारी जाएगी। तब वहां पर नील कहता है कि अगर हम इस मशीन का प्रयोग वापस से करें तो हम समय में पीछे जाकर अगेन कैट को बचा सकते हैं, मगर तब प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर हम समय में वापस से 10-15 मिनट पीछे गए तो यहाँ पर वही सारे गुंडे होंगे जिनका सामना अभी अभी हमने जस्ट 10 मिनट पहले किया था, तो क्यों ना हम समय में एक हफ्ता पीछे जाएं जब हमने एयरपोर्ट की तिजोरी से तस्वीर चुराने की कोशिश की थी और जहां पर हमें दो मशीनें मिली थी। उसी मूवमेंट पर वहां पर एक टीम और पहुंच जाती है जिस टीम का नाम होता है आइव। बेसिकली ये टीम भेजी होती है प्रिया ने, और तब प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि नील और साथ ही प्रिया और साथ ही आइव की पूरी टीम 7 दिन पीछे पहुंचते हैं। मगर तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि 7 दिन पहले जब हम टर्न स्टाइल से निकलेंगे तो वहां पर हमारे पास्ट के प्रोटैगनिस्ट और नील के साथ में हमारा सामना होगा, तो क्यों ना सबसे पहले मैं उस टाइम मशीन से गुजरूं और उसके बाद में जब मैं उन दोनों को रास्ते से हटा दूं तब तुम कैट को लेकर उस मशीन से निकल जाना। इस मूवमेंट पर आइव के लोग उसे बताते हैं इस टर्न स्टाइल को यूज करने के बाद में हमारी इंसानों की दुनिया बिल्कुल पलट जाती है। जिस प्रकार इंसान नॉर्मल लाइफ में सांस लेकर यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन ऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसी वजह से अगर टर्न स्टाइल से कोई निकलेगा तो उसके लिए समय पीछे दौड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा, इसलिए अगर तुम समय में पीछे जा रहे हो तो तुम्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम अपने असली रूप से टकराओगे तो तुम ब्लास्ट होकर फट जाओगे, इसलिए हमेशा तुम्हें अपनी शक्ल को छिपाना होगा और साथ ही अपने बॉडी पर एक सूट पहनना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वही एयरप्लेन क्रैश जिसके अंदर हमें दिखाई गई थी वही चोरी जो कि इस मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखी थी। और जब वहां से प्रोटैगनिस्ट बाहर निकलता है तो उसका सामना अपने पास्ट के रूप से होता है। उसके पास में एक बंदूक होती है जिसके अंदर काफी सारी गोलियां भरी हुई होती है। अब यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट ये ट्राई करता है कि वो बंदूक के अंदर से सारी गोलियां खत्म कर दे, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो गोलियां भी समय में पीछे पलट जाएंगी, इसलिए वो एक एक करके सभी गोलियों को बंदूक से खाली करने की कोशिश करता है और वहां पर अपने पास्ट के प्रोटैगनिस्ट से भी लड़ने की कोशिश करता है। अब वो ये बात जानता था कि वो फ्यूचर से आया है, इसीलिए उसे अपने समय के पीछे वाले प्रोटैगनिस्ट के सारे मूव्स का पता होता है। और फाइनली वो उन दोनों का ध्यान भटकाकर वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से नील को अब कैट के साथ में उस टर्न स्टाइल के अंदर जाने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अब फाइनली कैट की हालत सुधरने लगती है। अब यहाँ पर नील ये रिवील करता है कि मैं टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, आज से कई समय बाद में एक साइंटिस्ट होगी जो कि इन सभी के ऊपर अपना काबू पा लेगी, यानी कि किस चीजों को समय में पीछे भेजना है और वापस फ्यूचर के अंदर उनका यूज करना है। मगर उसकी ये खोज कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ जाती है जो कि अब इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। बेसिकली दुनिया को तबाह करने के लिए उसे बिल्कुल समय के अंदर पीछे रिवर्ट करना होगा, यानी कि जो पौधा कभी जमीन से निकलकर पेड़ बनेगा वो पौधा कभी इस जीवन में आएगा ही नहीं, जो पेड़ जो फल देने वाला होगा उस पर वो फल कभी लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि पूरी इंसानी जाति ही धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, और ऐसा काम करने के लिए उन्हें एक एल्गोरिदम की जरूरत है। उस एल्गोरिदम को टोटल 9 टुकड़ों में बांट दिया गया है, और जिस टुकड़े की आंध्रे को तलाश थी वो बेसिकली वो 9th टुकड़ा ही था जो कि एल्गोरिदम का लास्ट पार्ट था। अब उसके पास के अंदर वो आ चुका है और अब किसी भी वक्त आंध्रे उस पूरे एल्गोरिदम को बनाकर एक ऐसी जमीन में छिपा देगा जहां पर भविष्य के लोग उसे खोज कर निकाल देंगे और इसके बाद में इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तभी प्रोटैगनिस्ट को माइकल एस कॉर्बी की वो बात याद आती है जो कि उसने उससे उस टाइम पर करी थी जब वो तस्वीरों की बातें करने के लिए उससे मिलने के लिए गया था। माइकल कॉर्बी ने उसे बताया था कि आंध्रे रशिया के उस जगह से आया है जहां पर किसी जगह एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में वहां पर एक टीम को उधर की सफाई करने के लिए भेजा था, मगर चेकिंग के बाद में पता चला तो वहां पर उन सभी लोगों की जान चली गई थी। इसका सीधा मतलब ये है कि जरूर आंध्रे ने एक डील के लिए अपने सभी साथियों को जान से मार दिया होगा, और मेरे ख्याल से वहां पर उसे एक टाइम कैप्सूल मिला होगा जो कि भविष्य के लोगों ने उसके लिए भेजा होगा। तो इसका मतलब यह है कि डील को फाइनलाइज करने के लिए वो उस एल्गोरिदम को वहीं पर छिपाएगा जहां से भविष्य के
लोग उसे वापस से पा लेंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए आइव की टीम दो भागों में बढ़ जाती है, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। ब्लू टीम जो कि समय के अंदर ऑलरेडी वहां पर पूरे काम को अंजाम देकर लौटी होती है अपने ब्लू कंटेनर्स में, और वहीं पर रेड टीम जो अब जाने वाली होती है पूरे उस काम को अंजाम देने के लिए। और अगेन शुरुआत होती है इस मूवी के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट की। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नील ब्लू टीम का हिस्सा होता है, जिन्होंने ऑलरेडी एल्गोरिदम को पाने की कोशिश करी थी, और रेड टीम जिसके अंदर की प्रोटैगोनिस्ट होता है वो अब जाने वाला है उस एल्गोरिदम को जमीन में गड़ने से रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य के लोगों को वो एल्गोरिदम डिवाइस मिल जाएगा और इसी के साथ में वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। वहीं से प्रोटैगोनिस्ट अपने एक साथी के साथ में एक छोटी सी टर्नल में जाता है, मगर तभी उसके पीछे एक कार हॉर्न बजा रही होती है, मगर उसका ध्यान उस पर नहीं जाता। और जब वो उस टर्नल के अंदर पहुंचता है तो वहां पर उसे वो वही 9 टुकड़ों का एल्गोरिदम मिलता है, और जब वो उसे वहां से खींच कर निकालने ही वाला होता है मगर तभी उस पर कोई गोली चलाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर गोली चला ही रहा होता है जो कि आंध्रे का आदमी होता है, उसे वहां पर नील जान से मार देता है और उस एल्गोरिदम को जमीन में गड़ने से पहले ही वहां से प्रोटैगोनिस्ट को निकाल लेता है। तब प्रोटैगोनिस्ट तो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी लाश वहां पर देखी थी, इसका मतलब ये है कि तुम जान से मरने वाले हो। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? इसका मतलब ये है कि तुम सब कुछ पहले से जानते थे। तब वहां पर नील बताता है कि मैं टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं और जिसने मुझे हायर किया है वो और कोई नहीं, वो तुम ही हो। इस मोमेंट पर तुम्हारी और मेरी दोस्ती का अंत हो रहा है, मगर फ्यूचर में तुम मुझे वापस से मिलोगे। और ये कहकर नील वहां से जाने लगता है, तभी वहां पर प्रोटैगोनिस्ट को उसके बैग का एक रेड की चेन दिखता है, और तब उसे याद आता है कि नेशनल ओपेरा हॉल में जिस इंसान ने उसकी मदद करी थी वो और कोई नहीं बल्कि वो नील ही था, और उसे वो सारी बातें मालूम थी जो कि मेरे साथ प्रेजेंट में घटने वाली थी, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर से आया था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि मेरे खुद के फ्यूचर ने उसे प्रेजेंट में भेजा था मेरी मदद करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है कैट, जो कि अपनी चालाकी के साथ में फाइनली आंद्रे को जान से मार देती है और पानी के अंदर पटक देती है, और साथ ही खुद भी उस शिप से कूद जाती है। और ये वही सीन होता है जब वियतनाम के अंदर एक बोट के ऊपर जब कैट अपने बेटे के साथ में उस शिप में आ रही होती है तो उसे वहां से एक लड़की कूदती हुई दिखती है। ये वही सीन होता है जहां पर भविष्य की कैट ने भविष्य के आंद्रे को जान से मार दिया था और अपनी एक नई लाइफ स्टाइल को शुरू किया होता है। हालांकि ये बात प्रिया को भी पता होती है, इसीलिए वो कैट को जान से मारने के लिए उस स्कूल के पास में पहुंच जाती है जहां पर कैट अपने बेटे मैक्स को लेने के लिए पहुंचती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उस कार के अंदर प्रोटैगोनिस्ट भी बैठा होता है, और तब वो प्रिया को कहता है कि तुम जिस टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हो वो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है, और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए जो तुम कैट को जान से मार रही हो ये बात हमारी डील में शामिल नहीं थी, इसीलिए वो खुद प्रिया को जान से मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।